अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम अपनी ASP.NET कोर की अंडरस्टैंडिंग को मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा बेसिक्स तरफ जाते हैं मज़ीद और देखते हैं कि हमारे पास इस टेम्पलेट में और क्या चीज़ें अवेलेबल है। आपके पास एक फ़ाइल अवेलेबल है प्रॉपर्टीज़ के अंदर लॉन्च सेटिंग्स की। ये फ़ाइल बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है और जब आप आपकी एप्लीकेशन चलती है तो इस फाइल्स की बुनियाद पे एप्लीकेशन रन होती है। इसमें कुछ सेटिंग्स हैं, मिसाल के तौर पे आपकी प्रोफाइल्स एग्जिस्ट कर रही हैं, IIS प्रोफाइल, IIS एक्सप्रेस की प्रोफाइल है जिसके अंदर कुछ सेटिंग्स हैं, ये कमांड यूज़ करता है, ब्राउज़र लॉन्च करना है जब एक्चुअली इस प्रोफाइल के साथ एप्लीकेशन चले, और एनवायरनमेंट वेरिएबल एक है ASP.NET कोर अंडरस्कोर एनवायरनमेंट का जो कि बता रहा है कि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। दूसरी प्रोफाइल का नाम कोर डेमो है। आप मल्टीपल प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हैं और ये प्रोफाइल आपको यहाँ पर विजिबल नज़र आती हैं। ये प्रोफाइल्स आप इनको चेंज करेंगे अकॉर्डिंगली। अगर मैं IIS एक्सप्रेस करता हूँ तो मेरी एप्लीकेशन IIS एक्सप्रेस के अंडर रन होती है। अगर मैं डेमो वाली यूज़ करता हूँ तो मेरी एप्लीकेशन बेसिकली कंसोल के तौर पर रन होती है और एप्लीकेशन इस इन पोर्ट्स के ऊपर और URL के ऊपर अवेलेबल होती है जिनको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। अच्छा, इसके बाद अब हम देखें तो यहाँ पे वेब डॉट कॉन्फ़िग की फ़ाइल ख़त्म कर दी गई है और आपको कॉन्फ़िगरेशन JSON फॉर्मेट में यहाँ पे अवेलेबल है। हमने कॉन्फ़िगरेशन वाली वीडियो के अंदर तसल्ली से डिटेल से देखा था कि ये JSON या किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल आप ऐड कर सकते हैं, XML आपने ऐड करनी है, इन मेमरी कमांड लाइन कैसे वो काम करती हैं। इस वीडियो से पहले वो वीडियो लाजमी देखें, अदरवाइज़ कुछ चीज़ें कन्फ्यूजिंग लगेंगी आपको इस वीडियो के अंदर। तो अभी देखिए, आपके पास एक JSON की फ़ाइल अवेलेबल है जिसके अंदर कुछ सेटिंग्स अवेलेबल है और एक और फाइल बनी हुई है एप सेटिंग डॉट डेवलपमेंट डॉट JSON की। ये फाइल के अंदर कुछ सेटिंग्स हैं। बेसिकली समझ लें कि स्टार्ट में ये वाली JSON फाइल यूज़ होगी और दूसरी फाइल एनवायरनमेंट के बेस पे उसको ओवरराइड करने के लिए इस तरह आप मल्टीपल फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं डॉट प्रोडक्शन। तो अगर आप प्रोडक्शन वाली यूज़ करेंगे वो कैसे ओवरराइड करेगी उसको हम थोड़ी देर बाद देखते हैं, लेकिन यू मे हैव मल्टीपल JSON फाइल और यहाँ पे डेवलपमेंट का जो वर्ड है ये एनवायरनमेंट वाले वेरिएबल के तौर पे ही इस्तेमाल होगा आगे जाके। ये फाइल अब आ गई है कॉन्फ़िगरेशन के लिए और ये चीज़ आ गई है। इसके बाद आपके पास एक फ़ाइल है प्रोग्राम डॉट सी एस की। तो ये तो वेब एप्लीकेशन है, इसमें ये प्रोग्राम डॉट सी एस की फाइल क्या कर रही है? अब जो ASP.NET कोर या डॉट नेट कोर के अंदर जो वेब एप्लीकेशन है, बेसिकली वेब एप्लीकेशन नहीं है बल्कि वो कंसोल एप्लीकेशन के तौर पर ही होती है, और आप उस कंसोल एप्लीकेशन में बताते हैं कि आपने इस एप्लीकेशन को कैसे रन करना है, कौन सा आपने वेब होस्ट यूज़ करना है, उसके लिए आप खुद डिसाइड करते हैं। तो आपके पास एक कैस्ट्रल के नाम से वेब सर्वर, लाइट वेट वेब सर्वर अवेलेबल है जो क्रॉस प्लेटफॉर्म है, और जब आप ASP.NET कोर का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो आपके साथ बाई डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होता है, उसकी लाइब्रेरीज बाई डिफ़ॉल्ट एडिड होती हैं। अच्छा, अगर हम इसमें आते हैं प्रोग्राम डॉट सी एस की फाइल में तो एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पे क्रिएट वेब होस्ट बिल्डर, उसमें जो आर्गूमेंट आप कमांड लाइन से पास कर रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे अगर आप पास कर रहे हैं तो। यानी अगर आप इस एप्लीकेशन को रन करते हैं कमांड लाइन से और आर्गूमेंट पास करते हैं कोई तो यहाँ पर रिसीव हो जाएंगे। फिर आपने एक बिल्ड का फंक्शन कॉल किया और फिर रन का फंक्शन कॉल किया है। ये फंक्शन बेसिकली आपके लिए कॉन्फ़िगरेशन को बिल्ड करेगा, और फिर आपने बिल्ड का किया तो एक बिल्डर बन जाएगा, और फिर रन किया तो बेसिकली वो स्टार्ट कर देगा रनिंग स्टेट में। तो ये फंक्शन देखते हैं यह कर रहा है। अगर आप इस फंक्शन को देखें तो बेसिकली ये फंक्शन आगे एक क्लास है वेब होस्ट की, और उसका एक फंक्शन है क्रिएट डिफ़ॉल्ट बिल्डर का, उसे कॉल कर रहा है, और उसके बाद एक एक्सटेंशन मेथड यूज़ कर रहा है यूज़ स्टार्टअप का, और उस स्टार्टअप के फंक्शन के अंदर एज ए जेनेरिक टाइप पास करा स्टार्टअप की, ये क्लास है। विल सी दिस क्लास लेटर। अभी हम देखते हैं कि ये क्रिएट डिफ़ॉल्ट बिल्डर का जो फंक्शन लिखा हुआ है ये क्या कर रहा है। हम ये इस फंक्शन की जो .NET Core 2.2 से पहले या 2.1 से पहले वाले वर्जन थे 1.0, उसमें ये फंक्शन नहीं था बल्कि इस फंक्शन की लॉजिक इसी फाइल के अंदर लिखी होती थी। अब वो फंक्शन की लॉजिक उन्होंने फ्रेमवर्क के अंदर मूव कर दी है, और अगेन फ्रेमवर्क चूँकि ओपन सोर्स है, अगर आप जाके इसकी GitHub पे रिपोजिटरी देखें, ASP.NET की और 2.2 वाली ब्रांच देखें, तो आपको ये क्रिएट डिफ़ॉल्ट बिल्डर का मेथड नज़र आ जाएगा क्या कर रहा है। अगर हम ये देखें क्रिएट डिफ़ॉल्ट बिल्डर हमारे लिए क्या कर रहा है, बेसिकली एक ये वेब होस्ट बिल्डर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, उसके बाद उसकी बेसिक पाथ सेट कर रहा है स्टार्टिंग पाथ, उसके बाद यहाँ पे ये एक एक्सटेंशन मेथड कॉल कर रहा है यूज़ कैस्ट्रल का, जिसकी वजह से एक कैस्ट्रल का सर्वर अवेलेबल हो जाएगा आपके लिए, और फिर इस कैस्ट्रल सर्वर को डिफरेंट तरह की वो सेटिंग्स प्रोवाइड कर रहा है आगे। अगर आपने अपने सेक्शन कैस्ट्रल का सेक्शन बना के आप सेटिंग भी सेट कर सकते हैं इसके लिए वेब सर्वर के लिए अगर करना चाहते हैं, उनको रीड कर रहा है। उसके बाद वो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सेट कर रहा है। अगर आप इस कोड को देखें तो ये वही कॉन्फ़िगरेशन वाला जो हमने कोड खुद लिखा था कंसोल एप्लीकेशन में, उस तरह कोड लिखा हुआ है। वो क्या कर रहा है, बेसिकली ये JSON की फ़ाइल ऐड कर रहा है। वो ये अज्यूम कर रहा है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर जब ये प्रोजेक्ट चल रहा होगा तो इस तरह की एक फ़ाइल एग्जिस्ट करती होगी एप सेटिंग्स की, उसको रीड करेगा। उसके बाद वो इन्वायरमेंट के वेरिएबल से इन्वायरमेंट का नाम रीड कर रहा है जो कि अभी डेवलपमेंट है। इट मीन्स कि पहले वो ये वाली फ़ाइल ऐड करेगा, उसके बाद एप सेटिंग्स डॉट डेवलपमेंट डॉट जेसन की फ़ाइल ऐड करेगा हमारे इस केस में। तो अगर कोई सेटिंग आपने इस वाले के अंदर नहीं दी होगी तो वो पहले वाले से ओवरराइड हो जाएगी, राइट।
इसके बाद कंडीशन के बेस पे हमने सीक्रेट्स होते हैं कुछ, फॉर एग्जांपल आपकी कुछ कीज़ होती हैं, एप्लीकेशन आईडीज़ होते हैं, एप्लीकेशन सीक्रेट कीज़ होती हैं जो आपने सेट की हों, वो उनको लोड कर रहा है आपकी मशीन से। इसकी डिटेल फिर हम दोबारा कभी देखेंगे, अभी ये कर रहा है। उसके बाद अगेन जैसे हमने अपना एक बनाया था कॉन्फ़िगरेशन लोडिंग का बनाया था मैकेनिज्म, वो ये भी अपने लिहाज से बना रहा है, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को लोड कर रहा है और फिर कमांड लाइन आर्गुमेंट्स को लोड कर रहा है, अगर आर्गुमेंट्स नल नहीं है तो। सो इन शॉर्ट अगर आप नोट करें, अगर आप रन करते वक्त कमांड लाइन आर्गुमेंट देते हैं तो वो कमांड लाइन आर्गुमेंट सबसे आखिर में है, तो ये इन तमाम सेटिंग को ओवरराइड करने की फैसिलिटी रखता है। सो ये सेटिंग सबसे पहले लोड होगी, उसके बाद लोड होंगी ये सेटिंग, इस कोई मैचिंग होगी तो ये ओवरराइड कर देंगी, एनवायरनमेंट वेरिएबल में कोई चीज़ ऐसी हुई जो कि मैचिंग हुई तो वो उसको ओवरराइड कर देगा, और कमांड लाइन चूंकि सबसे आखिर में है तो अगर आपने कोई सेटिंग यहाँ पर सेट की तो वो सबको ओवरराइड कर देगी अगर मैचिंग कहीं भी एग्जिस्ट करता होगा। सो ये कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपको कन्फ्यूजिंग लग रही है अभी, सो जस्ट सी द कॉन्फ़िगरेशन वीडियो, आपको आइडिया होगा कि कॉन्फ़िगरेशन काम कैसे करती है डॉट नेट कोर में, फिर ये कोड आसान लगेगा। सो सेम चीज़ अगर लॉगिंग वाली अपनी वीडियो नहीं देखी उसको देखें, फिर आपको ये लॉगिंग वाला कोड भी समझ आना शुरू हो जाएगा यहाँ पे क्या कर रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वो कंसोल और डिबग की जो और इवेंट सोर्स लॉगर है, प्रोवाइडर्स हैं लॉगिंग प्रोवाइडर, उनको सेट कर रहा है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन रीड कर रहा है लॉगिंग के सेक्शन में से जो आपने डिफाइन की होगी अपने कॉन्फ़िग फाइल में, यहाँ पे जेसॉन फाइल में, यहाँ पे आपने सेट की हुई है लॉगिंग वाली, वो इस सेक्शन को रीड करके पास कर रहा है। इसकी भी हमने डेमोस्ट्रेशन देखी थी पहले जब हमने लॉगिंग का देखा था पार्ट। इसके बाद कुछ अपनी सर्विसेज वगैरह सेट कर रहा है अपने लिए, कुछ कंडीशन सेट कर रहा है, और यहाँ पे देखें वो डिपेंडेंसी जो हमारा आईओसी कंटेनर उसके अंदर कुछ चीज़ें सेट कर रहा है, और उसके बाद यानी जो आपने ये वाला बेसिक सेट किया था कैस्ट्रल, उसके बाद वो आईएएस का एक्सटेंशन ऐड कर रहा है, मिडलवेयर ऐड कर रहा है, इंटीग्रेशन यूएसआई इंटीग्रेशन कर रहा है, और डिफ़ॉल्ट बिल्डर का डिफ़ॉल्ट सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे ऐड कर रहा है। यहाँ पे जो इस डेवलपमेंट का ये फंक्शन आपको नज़र आ रहा है, बेसिकली इसका मतलब यह है कि वो चेक करता है कि एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर डेवलपमेंट का वर्ड स्ट्रिंग पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई, तो स्ट्रिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है इस डेवलपमेंट के वेरिएबल के लिए, अगर आप उसका मतलब बदल देंगे नाम तो फिर ये मैच नहीं कर पाएगा। सो ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है, आप इस सारे को स्किप करके ये सारा काम कॉपी करके यहाँ से खुद भी अपना एक बिल्डर बिल्ड कर सकते हैं, आपको ये फंक्शन कॉल करने की ज़रूरत भी नहीं है वेब होस्ट का, यू यू कैन हैव योर ओन टाइप ऑफ सेटिंग्स जो कि आप कर सकते हैं इसके अंदर, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं कि जी मैंने कमांड लाइन को प्रेफरेंस नहीं देनी, एनवायरनमेंट वेरिएबल को प्रेफरेंस देनी है, तो इस तरह की सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं। सो ये दिस वाज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इससे आपको एक बिल्डर का मेथड मिल जाता है, उसके ज़रिए आप फिर बाद में कॉल करते हैं स्टार्टअप को, तो आपका जो फ्रेम रन कॉल करते हैं तो फिर आपका रन का जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टार्टअप को यूज़ करते हुए इसके फंक्शन कॉल करता है, और फिर मिडलवेयर बाइंड करता है और सर्विसेज को बाइंड करता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आई होप सो बेसिक सबका आइडिया हुआ होगा कि क्रिएट डिफॉल्ट बिल्डर आपके लिए क्या बिल्ड कर रहा है, कॉन्फ़िगरेशन को बिल्ड कर रहा है, और कुछ आपकी सर्विसेज को रजिस्टर करवा रहा है स्टार्ट के लिए, और कैस्ट्रल सर्वर को एज ए डिफ़ॉल्ट सर्वर सेट कर रहा है आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे दूसरों से शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो, और आपको इस लिंक पे जाके लर्निंग इन उर्दू पे जाके स्पेसिफिकली इस पोस्ट पे जाके आपको सारी वीडियोस, दूसरी वीडियोस और फ्री वीडियो ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, ये भी आप देख सकते हैं और लोगों से शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।